नमस्कार दोस्तों, आईपीएल की तरफ से एक न्यूज आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सीरीज खेली जानी है आईपीएल से ठीक पहले, और इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो 17 सितंबर को यूएई पहुंचेंगे आईपीएल खेलने के लिए। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम था कि उनको एक हफ्ते तक क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद उन्हें आईपीएल के अंदर घुसने दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उन्हें एक हफ्ते तक क्वारंटाइन किया जाएगा, टेस्ट होंगे, देन आफ्टर उन्हें आईपीएल के मैचेस खेलने दिए जाएंगे। ये रूल था पहले का। लेकिन अभी आरसीबी के चेयरमैन संजीव चड्डीवाला ने कहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं उन्होंने एक सजेशन दिया है बीसीसीआई को, कि जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज खेली जा रही है वो भी तो बायो सिक्योर बबल में ही तो हो रही है। अगर कोई बंदा पहले से ही बायो सिक्योर बबल से दूसरे बायो सिक्योर बबल में आ रहा है तो उसे फिर एक हफ्ते का क्वारंटाइन का क्या मतलब बनता है? आप कोरोना वायरस का टेस्ट करिए, लेकिन आप एक हफ्ते क्वारंटाइन मत रखिए। इससे ये भी फायदा मिलेगा कि आरसीबी को अपने टीम के खिलाड़ी भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी शुरू के मैच से ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, शायद अब ऐसा हो सकता है कि एक हफ्ते के लिए जो क्वारंटाइन कर रहे थे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को, वो अब नहीं होंगे, वो सीधा कोरोना वायरस का टेस्ट होगा और वो पहले ही मैच मतलब 19 सितंबर से ही अपना आईपीएल के मैचेस शुरू कर सकेंगे। दोस्तों, ये सजेशन सुनकर बीसीसीआई पर इस पर विचार कर रही है, क्योंकि उनका भी सोचना सही है कि बायो सिक्योर बबल से अगर हम दूसरे बायो सिक्योर बबल से जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बंदा पहले भी बायो सिक्योर बबल में था और अभी भी बायो सिक्योर बबल में, तो कोरोना वायरस के चांसेस कम हो जाएंगे और टेस्ट तो किया ही जाएगा वैसे भी उनका। दोस्तों, कोरोना वायरस का टेस्ट हर खिलाड़ी का एक हफ्ते में 3 बार किया जाएगा। अगर नेगेटिव आता रहता है तो वो खेलते रहते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो उसे वहाँ से उठाकर उसे ठीक कराने के लिए भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।